Ya Ali Mola Mola Ya Ali Mola Ya Ali Mola Mola Rampur ki Raza Library mein hoon hamare Bharat ki dharohar ye sahi shabd hai galat bol gaya aur kyon dharohar hai kin cheezon ki wajah se usme se do cheeze is waqt mez pe hain और ये जो शख्स मेरे सामने खड़े हैं ये रिसर्च रूम के इंचार्ज हैं इनका नाम इसबा खान साहब है और इसबा शब्द का अर्थ होता है सबसे सुबह सुबह का पहला जो कहे इसमें कुरान शरीफ है कब की कुरान शरीफ है सातवीं सदी की सेवेंथ सेंचुरी की है और कहा जाता है कि इसको अली ने लिखा था हज़रत अली ने लिखा था इसको तो ये बहुत ही नायाब है बहुत ही बेशकीमती है ना और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी एग्जीबिशन इसकी प्रतिलिपि की होती है और ये साल में एक बार निकाली जाती है लेकिन एक तो बड़ा शुक्रिया आप नीली कमीज में साहब बैठे हैं यहाँ के इंचार्ज उनका तो इसको दिखाइए इसके भीतर क्या है ये क्यों इतनी नायाब है और इसकी खूबियों के बारे में बता दीजिएगा ये मीनार क्या है ये सब इसकी बाइंडिंग की गई है ये उसका अलम का निशान है ये सातवीं सदी का कुरान है ये चमड़ा है नहीं ये अभी तो ये कागज़ ही है इसको बाइंडिंग के लिए बनाया गया था ये कागज़ है ये भी जो है ये भी कागज़ है और ये बात का काम हैगा जो स्टार्टिंग होती है वो ओरिजिनल कुरान जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पार्चमेंट है जो आप देख रहे हैं ये चमड़ा है और ये लिपि जो है ये कूफी लिपि कहलाती है इस पर जो मात्राएँ होती हैं वो नहीं हैं कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती जी हाँ कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती अरे कितना सही था तो नुक्ता लगाते लगाते थक जाते सही पढ़ने के लिए अब नुक्ते लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी जुबान थी तो जी और ये जो देख रहे हैं आप ये हिरन की हाथ की झिल्ली है ताकि एक दूसरे से पेपर की हाथ की झिल्ली जी जी सुरक्षित रहे एक दूसरे से इंक जो है आपस में मिले नहीं मॉइस्चर होने की वजह से हर वर्क जो पृष्ठ है उसके बीच में एक है ये 350 पन्ने हैं जी ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी नवाबीन जो अरब जाते थे हज पर तो वहाँ से क्योंकि उस वक्त उनकी अरब की इतनी कंडीशन हालत जो थी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो यहाँ के नवाबीन उनकी मदद करते थे तो उन्होंने भी उनको तोहफे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था देने के लिए तो उनके पास ये कुरान था तो उन्होंने तोहफे में नवाब कल्ब अली खान साहब को दिया था तो वो वहाँ से लेकर आए थे जी और पहले नवाब नहीं पहले नवाब नहीं थे वो पाँचवें नवाब रहे वहाँ जी जी हाँ तो उन्होंने मदद की तो बदले में अरब के लोगों ने जी तोहफे में ये कुरान दिया और ये शीट्स में था जब हम यहाँ पर आया इसको बाद में नवाब साहब ने इसकी बाइंडिंग करवाई और इसको पूरा किताब की शक्ल में बनाया सब ऐसे ही जी सब ऐसे ही कुछ उसमें बीच तस्वीरें वगैरह नहीं तस्वीरें इसमें नहीं है तस्वीरें बाद में करवा बस जी वो तो बात का काम है ना ये बाद में नवाब साहब ने जब उसको डेकोरेट करवाया था सजाया था ये सोने से जी हाँ वो तो क्योंकि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में है ना ये तो जाहिर है जो रिकॉर्ड में चीज़ है उसको तो फिर हमें वैसे ही रखना पड़ेगा सबसे कीमती चीज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब जब वहाँ ईरान गए थे तो उसकी कॉपी करवा कर लेकर गए थे नरेंद्र जी वहाँ पर सर क्या नाम है आपका मेरा नाम अबू साद इस्लाही है मैं लाइब्रेरियन हूँ जी और मैं यहाँ पर मेरे स्क्रिप्ट का चार्ज मेरे ही पास है तकरीबन मुझे 25 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए जैसे 25 साल से ही मेरे पास चार्ज इसलिए चल रहा है यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने बताया होगा कि आपको बहुत सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ओल्ड वन जो हमने दिखाया है वो हज़रत अली रज़ा अल्लाह की हैंड राइटिंग में जो कुरान मजीद है चमड़े पर लिखा हुआ खत कूफी में ये सबसे पुराना है उसके बाद हमारे पास एक और कुरान मजीद है जो कागज़ पे लिखा हुआ है वो 8वीं सदी का है 7वीं सदी का तो चमड़े पे लिखा हुआ है लेकिन 8वीं सदी वाला जो है शताब्दी वाला वो कागज़ पे लिखा हुआ कुरान मजीद है और एक बहुत बड़े इस्लामिक पर्सनालिटी है इमाम जाफर सादिक उनकी हैंड राइटिंग में है
تو یہ قرآن مجید اس اعتبار سے امپارٹنٹ ہے کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے، جو ہمارے سب سے بڑے شخصیت ہے یا پرسنالٹی ہے، اس کے بعد ہمارے دوسرے امام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، تو اسے سمجھا جا سکتا تھا کہ کاغذ کا زمانہ جو تھا بالکل ابتدائی جو زمانہ ہے، اسی زمانے میں مسلمانوں نے کاغذ کو ایجاد بھی وہ بنانا بھی شروع کیا اور اس کا استعمال بھی بڑے پیمانے پہ کیا، اور یہ جو رائٹنگ ہے ان پہ ماترائیں نہیں لگی ہوئی ہیں جس کو ہم اعراب کہتے ہیں یا ڈائریکٹیکل مارک کہتے ہیں، تو یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں جب اتنا زیادہ ڈائریکٹیکل مارک نہیں استعمال ہوتا تھا. اپنے آپ میں کئی طرح سے یہ قرآن مجید کے نمونے جو ہے ایگزامپلس ہیں، کیونکہ آج ہم 1500 سال بعد جو قرآن مجید استعمال کرتے ہیں اس میں اور 1500 سال پہلے کا قرآن مجید ہے، جو ایک طرح سے کمپیئر کیا جائے، اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس میں کسی ایک لیٹر کا، ایک حرف کا اور ایک ورڈ کا کوئی آپ کو اس میں ڈفرینس نہیں ملے گا. اور شکریہ آپ نے یہ دو نایاب پانڈتیاں دیکھی اور رضا لائبریری کی ہسٹری کے بارے میں. یا علی مولا، یا علی مولا، یا